आज के इस शुभ समय पर स्वामी जी से मैं निवेदन करता हूं कि वह हमारे इन तीनों कार्यकर्ताओं का सम्मान करें, श्री शैलेश जी गुप्ता, श्री दत्ता भैया भानदुर्गे और श्री नीलेश जी पठाड़े। और योग सोपान के ये जो चार भाग इन्होंने लिखे हैं और बच्चों से करवा रहे हैं, उनका प्रकाशन करें। इतनी दूर से, हरिद्वार से, विशेष विमान से और फिर हेलीकॉप्टर से संगम नेर पहुंचकर आपने हमें अनुग्रहित किया स्वामी जी। हम आपके सदैव ऋण में रहेंगे, आपके सहयोगी बनकर आपके साथ साथ चलेंगे। योगा का मिशन जो आपने लिया है, हम सब आपके सहयोगी बनेंगे। स्वामी जी, आपके आशीर्वाद के हम लालायित हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं स्वामी जी कि कृपया हम सबको अनुग्रहित करें, मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद दें। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले, भारत माता की। महाराष्ट्र जैसी आवाज आनी चाहिए पूरे राष्ट्र में गूंजे, भारत माता की। वंदे वंदे वीर श्रोमणी छत्रपति शिवाजी महाराज की। आप सगळ्या बंधू भगिनींना माझा हृदयापासून खूप खूप प्रणाम आणि आशीर्वाद। आप सबको इसलिए प्रणाम कि इन छोटी छोटी बेटियों में, इन बालक और बालिकाओं में मैं भारत का भविष्य देखता हूं। इनमें राम और कृष्ण जैसी ऊर्जा देखता हूं। इनमें सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती और महारानी लक्ष्मी बाई जैसा शौर्य और तेज देखता हूं। ये तो योग है। माना कि इससे शारीरिक बल तो बढ़ता ही है, योग करने से आपका शरीर बल बढ़ेगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल और आत्मबल बढ़ेगा। और जब आप बलवान बनेंगे तो राष्ट्र बलवान बनेगा। जब आप महान बनेंगे तो मेरा भारत महान होगा। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आप इस देश को आगे बढ़ाने वाले। माना कि आप में से कुछ बच्चे छोटे परिवारों में पैदा हुए होंगे, जिनके माता पिता के पास एक दो एकड़ जमीन है, उनके पास पैसा कम होगा। वैसे भी आजकल पैसे का मामला बहुत खतरनाक चल रहा है देश में। जिनके पास नहीं था वो तो राजी हो रहे हैं, जिनके पास में था वो भी बहुत से रो रहे हैं। पैसा कम हो या ज्यादा हो, इसकी कभी परवाह न करना। मैं सब बच्चों से पूछता हूं, भगवान ने सबको एक हाथ दिए कि दो हाथ? भगवान ने हाथ देने में कोई पक्षपात किया? सबको ज्ञान दिया है कि नहीं दिया? सबको प्रेम से भरा हुआ हृदय दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? और काम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, मेहनत करने के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए दोनों हाथ दिए कि नहीं दिए? इसमें कोई पक्षपात किया? तो जब भगवान ने बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के हमें एक प्रज्ञावान मस्तिष्क और प्रेमवान हृदय और पुरुषार्थी भुजाएं दी हैं, तो आप में से एक एक बच्चा आगे बढ़ेगा और वह खुद महान बनेगा, देश को महान बनाएगा। और एक दिन ये भारत पूरे विश्व में फिर से वही महाशक्ति कहलाएगा जिसका ये पहले हकदार था। भारत विश्व गुरु जगत गुरु था, ये था नहीं, इस था को वर्तमान में तब्दील करना है। लोग कहते हैं, बाबा जी हम तो छोटे से घर से आए, हम क्या कर सकते हैं? मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से आया हूं। मेरे माता और पिता दोनों अनपढ़ हैं, उनको हस्ताक्षर करने भी, सिग्नेचर करने भी नहीं आते। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। आजकल लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ा, सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ा, बाद में गुरुकुल में पढ़ा। अब लोग कहते हैं, बाबा ये स्टैनफोर्ड
ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, आईआईएम, आईआईटी, आप कहां से पढ़ के आए हो कि सारी विदेशी कंपनियों का एक बाबा ने बैंड बजा दिया? मैंने कहा मैं स्टैनफोर्ड से, हार्वर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ करके नहीं आया हूं, आईआईटी से, आईआईएम से भी पढ़ करके नहीं आया हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने किया है उसको ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाएगा। आपको ऐसा काम करके दिखाना है, आपको अपनी भुजाओं पर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए और यह एहसास होना चाहिए। यह मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है, आपको भी कह रहा हूं। लोग मुझसे कहते हैं बाबा आप किससे इंस्पायर होते हैं? अभी रणवीर की बात बता रहे थे, ये अभी भाई गजेंद्र चौहान जी भी कह रहे थे बाबा आपने बहुत जोरदार बैंड बजाई इसकी, रणवीर की। सच्ची बात यह है कि मैंने ऐसा कुछ करने के लिए कुछ नहीं किया। आज तक का एक कार्यक्रम था एजेंडा का, मैं उसमें गया, वो रणवीर बोला बाबा जी मेरे साथ डांस करो। मैंने कहा भैया मुझे डांस ही नहीं करना आता। बोला बाबा जी नहीं करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर मुझे डांस नहीं करना आता, मुझे ठोकना आता है। बोले बाबा जी कोई नहीं, आ जाओ आप। तो फिर मैंने पहले तो थोड़ा दंड बैठक लगाया, वो दंड बैठक लगाया तो थोड़ा थोड़ा तो वो करने लगा। अब जैसे बच्चे अलग अलग तरह के आसन कर रहे थे, दो चार आसन जब तक किए तब तक वो मैदान में डटा रहा। फिर जब मैंने जब ये करना शुरू किया, बच्चे भी ऐसे करेंगे, फिर ये पेट घुमाओगे, ये आता है घुमाना, ये ऐसे, इसमें ऐसे करना पड़ेगा, ये जोर पड़ेगा। आप में से ज्यादातर बच्चों की उम्र मेरे से चौथाई भी नहीं है। आप में इतनी ऊर्जा रहनी चाहिए, जो योग करेंगे कभी बुढ़े जवानी रहेंगे। कोई बुढ़ा होना चाहता है क्या? कोई बीमार होना चाहता है? कोई लाचार होना चाहता है? तो योग में वो शक्ति है कि आप न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम्। जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेता है न तस्य रोगो, उसको कोई रोग नहीं होता, उसको बुढ़ापा। अरे कितने लोग कितनी कैसी कैसी दवाइयां खाते हैं, कोई ब्लड प्रेशर की, कोई शुगर की, कोई हार्ट की, कोई कोलेस्ट्रॉल की, कोई गैस की, कोई कब्ज की, कोई स्ट्रेस की दवाइयां खा रहे हैं। जो योग करेंगे उनको कोई दवाई की जरूरत, उनके जीवन में कोई बीमारी, उनके जीवन में कोई बुराई भी, ये दो चीजें बहुत बड़ी है, ना कोई बीमारी ना कोई बुराई। और ये तो दो पक्ष है, योग से आपके भीतर का जो असीम सामर्थ्य है वो जाग जाता है। जैसे बीज में वृक्ष होता है, बीज में क्या होता है बच्चों? वृक्ष। अब जो बड़ का पीपल का इतना बड़ा पेड़ होता है वो छोटे से बीज में होता है। तो अपने भीतर बीज रूप में सारी शक्तियां हैं, असीम ज्ञान है अपने भीतर, असीम शक्ति सामर्थ्य अपने भीतर, ऊर्जा है अपने भीतर। योग से वो भीतर का ज्ञान, भीतर की संवेदनाएं, भीतर की शक्ति जागती है और नेगेटिव पूरी एनर्जी
वो खत्म हो जाती है। एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं योग से। आपकी एनर्जी यदि पॉजिटिव काम में नहीं लगेगी तो डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव काम में लगेगी। तो योग से आपकी ऊर्जा जगेगी, आपकी डिविनिटी जगेगी। योग से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी बढ़ती है। लोअर कॉन्शियस से आप हायर कॉन्शियस में आ जाते हैं। छोटी छोटी सोच ही खत्म हो जाती है। एक एक मानव जो महामानव होने की शक्ति है वो योग से जागती है। बाकी जो नॉर्मल फिटनेस है ये तो योग का एक पक्ष है कि योग से हम तंदुरुस्त होते हैं। योग से आपका ये सामर्थ्य और अधिक बढ़ेगा। महाराज जी का जब किशोर व्यास जी नाम था तब से पूज्य श्रद्धे महाराज श्री से हमारे एक आत्मीय संबंध है और लगभग लगभग जितने वर्ष का ये गीता परिवार का एक गौरवशाली अतीत है करीब करीब उतना ही महाराज जी के साथ हमारा एक आत्मीय संबंध है। मैं प्रथम तो गीता परिवार की त्रिदिशा पूर्ति महोत्सव पर एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। 30 सालों का ये एक सन्यासी का, एक महात्मा का, एक विद्वान योगी आचार्य का, एक तपस्वी का इतना बड़ा तप, उसके अनेक आयाम और उसमें ये बाल संस्कार का ये इतना पुनीत काम। और इसके लिए हमारे भाई संजय मालपानी जी से लेकर के राजेश मालपानी और पूरे अलग अलग जो सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक बार गीता परिवार के सभी निष्काम सेवी भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से, जिन्होंने इतना पुण्य पुरुषार्थ किया है। ये बहुत बड़ा कार्य है। इन बालकों को संस्कार देना, हमने ये जितने बच्चे बैठे हैं यहां पर इनकी जितनी उम्र है उतनी उम्र में मैंने योग शुरू किया था। मैंने 9 साल की उम्र में योग सीखा था। तब योग सिखाने वाला कोई बड़ा आचार्य देश में दिखता नहीं था, कोई किसी की चर्चा नहीं थी। हमारे पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि हम पुस्तकें लेकर के पढ़ सके योग की। तो एक गांव में एक महात्मा सत्यानंद आया करते थे, उन महात्मा जी की लाइब्रेरी से हमने उधार में पुस्तक ली और किताब में पोज देख देख करके हमने ये आसन सीखे थे जो मैं आज करता हूं। और 9 साल की उम्र से बच्चों आज तक मैंने एक दिन भी योग को छोड़ा नहीं है। मैं आपसे भी यह अपेक्षा करता हूं कि एक दिन भी आप योग को मत छोड़ना। जो आपको योग सिखाया उस योग को एक दिन भी छोड़ना, जोर से बोलो, एक दिन भी छोड़ना। मैं 9 साल की उम्र से कर रहा हूं, आज तक नहीं छोड़ा। आजकल लोग बहुत चर्चा करते हैं, बाबा का इतना बड़ा ब्रांड, बाबा की इतनी बड़ी सक्सेस, बाबा की इतनी बड़ी पॉपुलरिटी, बाबा का इतना बड़ा साम्राज्य ऐश्वर्य। बोले बाबा ये हुआ कैसे? मैंने कहा योग से। योग करो, सुबह सुबह करना है योग। सब बच्चे बोलेंगे सुबह सुबह क्या करना है, बोलो जोर से बोलेंगे सुबह सुबह क्या करना है, और दिन भर करना कर्म योग। दिन भर क्या करना? बच्चों का कर्म योग क्या है? पढ़ाई करना। अध्यापक का कर्म योग क्या है? पढ़ाना। कृषक का जो शेतकारी है उनका कर्म योग क्या है? शेती खेती करना। सुबह सुबह योग और दिन भर में कर्म योग। तो फिर बोले बाबा ये उद्योग कहां से आ गया? अब पतंजलि के साथ उद्योग भी बहुत जुड़ गया है और पतंजलि का उद्योग अब महाराष्ट्र में भी आ गया। यहां भी हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और समृद्धि मिलेगी पतंजलि की ओर से। ये काम शुरू कर चुके हैं हम यहां महाराष्ट्र में भी। बोले बाबा ये उद्योग कहां से आ गया? मैंने कहा उद्योग तो बायो प्रोडक्ट है। क्या बच्चों? बायो प्रोडक्ट माने कुछ हम करते हैं उससे कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं, उसके लिए करना नहीं पड़ता। तो ये सक्सेस, ये प्रॉस्पेरिटी, ये ब्रांड, ये उद्योग, ये सब कुछ ये बायो प्रोडक्ट है। तो आप भी जैसे मैं एक अनपढ़ मां बाप के घर से गांव से निकला और देश और दुनिया के करोड़ों लोगों ने मुझसे प्यार किया, आप भी एक एक बच्चे
ऐसे ही अपने गांव से अपने घरों से निकल करके महाराष्ट्र से निकल करके राष्ट्र ही नहीं पूरी दुनिया में आपको छा जाना है, वो संस्कार आपको गीता परिवार ने दिए। इतने ऊंचे संस्कारों को लेकर के, विचारों को लेकर के, संस्कार माने विचार, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी हमारी भावनाएं और वैसे हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा जीवन होता है। तीन चीजें महत्वपूर्ण हैं, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। जैसे थॉट्स वैसे इमोशंस, जैसे इमोशंस वैसे एक्शंस। तीन चीजें मैंने बच्चों बोली हैं, थॉट्स, सेकंड चीज क्या बोली, इमोशंस एंड एक्शंस। थॉट्स, जैसे थॉट्स वैसे इमोशंस, जैसे इमोशंस वैसे एक्शन। बस यही तो लाइफ है। यहां थॉट्स की प्योरिटी दी जा रही है आपको, पवित्रता, पवित्र थॉट्स। और जिंदगी में थॉट्स, इमोशन और एक्शंस पर जिनका कंट्रोल होता है वो दुनिया में इतिहास रचते हैं। और कामयाबी के लिए तीन चीजें और जरूरी हैं, हेल्दी बॉडी, क्या बोला, शार्प माइंड, क्या बोला, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, क्या बोला, पहली चीज क्या बोली, देखो ऐसी भूल मत करो, हेल्दी, फिर शार्प माइंड, कुछ का शार्प है उनको याद रहेगा, कुछ भूल गए, हेल्दी बॉडी, दूसरा क्या बोला, शार्प माइंड एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। ये तीन चीजें आप जिंदगी में करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ये तीन बातें याद रखना, अपने शरीर को कैसा रखना है, हेल्दी, दिमाग को कैसा रखना है, शार्प, और लाइफ में कंटिन्यूअस क्या करना है, बस इतना ही है। यही गीता का संदेश है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततम। सब मेरे साथ बोलो, एक गीता का श्लोक तो बोलते हैं ना, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, ये सब साथ में मिलके बोलेंगे, यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवाः। अब ये लास्ट की एक लाइन का अर्थ सुन लो, ये सारा संसार भगवान के दिव्य पुरुषार्थ का, दिव्य कर्म का, दिव्य प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें क्या करना है, स्वकर्मणा, क्या है बोलो, स्वकर्मणा माने अपने काम से, स्व माने अपने, कर्मणा काम से, स्वकर्मणा तम माने उसकी अभ्यर्च पूजा करो, अपने काम से प्रभु की क्या करनी है बोलो, पूजा, अपना कर्म ही अपना धर्म है, अपना कर्म ही पूजा है। इतना काम करो, इतना काम करो कि जो काम करता है, काम काम और काम, वो हो जाता है कामयाब। जो काम करता है वो क्या हो जाता है दुनिया में बोलो, और जो निकम्मा रह जाता है उसको वेद में कहा अकर्मा दस्युः, बोलो क्या बोला, जोर से बोलो, अकर्मा दस्युः, जोर से बोलो, जो काम नहीं करते वो राक्षस है, और जो कभी नहीं करते वो महाराक्षस है। बस यही देवता और राक्षसों में फर्क है। इतनी मैंने बातें आपको बता दी, बस अब तीन संकल्प आपसे मुझे लेने हैं। एक तो संकल्प ये कि एक दिन भी योग को छोड़ना, जो योग करेंगे मैंने कहा उनके जीवन में कोई बीमारी, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई, और उनके जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलेगी। सब प्रकार की क्या मिलेगी, सफलता, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, ये योग का फल है, योग का बेनिफिट है, परिणाम है, लाभ है। दूसरा, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए बच्चों, देश का पैसा कह रहना चाहिए,
लेकिन जब तुम कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोलगेट यूज करते हो, पेप्सी डेंट क्लोजअप, डॉ लॉक्स, फेयर एंड लवली यूज करते हो, तो देश का पैसा कहाँ जाता है? विदेश में। एक विदेशी कंपनी आई थी, देश को लूटा, गुलाम बनाया और तबाही मचाई, अत्याचार की, क्रूरताएं की। उस विदेशी कंपनी का क्या नाम था बोलो, जोर से बोलो, ईस्ट इंडिया। भूले नहीं हो ना भी, एक ईस्ट इंडिया आई और देश को गुलाम बनाया था, सबको याद है ना? तो ये ईस्ट इंडिया के चाचा ताऊ हैं ये सारे, ये कोका कोला, ये पेप्सी। अच्छा बताओ, कोका कोला पेप्सी वालों ने कोई वेद विद्यालय बनाया, कोई स्कूल कॉलेज बनाया, कोई गौशाला धर्मशाला बनाई, कोई देश में शिक्षा स्वास्थ्य का काम किया? ये हमारे राधा कृष्ण जी बैठे, इन्होंने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया। मैं नगर में था तो वहां इनके कॉलेज से मैं उससे उड़ के आया, इतना बड़ा, हजारों लोगों के लिए चिकित्सा, हजारों लोगों के लिए शिक्षा, कितने बड़े बड़े काम अपने देश के लोग करते हैं। ये कोका कोला, पेप्सी, डॉ लॉक्स, लाइफबॉय, पियास, फेयर एंड लवली वाले देश के लिए कुछ करते हैं क्या? तो आज एक संकल्प लेके जाओ, हम कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। मैं बोलूंगा स्वदेशी अपनाएंगे, आप कहेंगे देश को बचाएंगे। स्वदेशी अपनाएंगे, देश को लूट रही है विदेशी कंपनियां। ये संकल्प लेके जाना है। महाराज जी ने मुझसे कहा है कि ये पतंजलि का जो अभियान है, एक ऋषि का अभियान है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है, क्योंकि हमने तय किया है कि पतंजलि का एक ही रुपए कोई भी व्यक्ति नहीं कमाएगा, पतंजलि का उत्तराधिकारी भी कोई व्यापारी नहीं होगा, पतंजलि का 100% प्रॉफिट इस देश की सेवा में लगेगा, देश की सेवा में लगेगा 100% का 100%। तो आपको आज ये संकल्प लेकर के जाना है कि हमें स्वदेशी उत्पादों को अपनाना है। अभी पहले तो कोई विकल्प नहीं होता था, साबुन है, शैंपू है, टूथपेस्ट है, कोई भी वस्तु है। बच्चों को नूडल खाना है, बच्चों को चॉकलेट खानी है, तो उसके लिए हमने एनर्जी बार सब कुछ बना दिया है तुम्हारे लिए, कुछ छोड़ा नहीं है। नूडल भी बना दिया और वो भी आटे से, राइस ब्रान ऑयल से। दंत कांति, केश कांति, हमने सारे साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट का विकल्प दिया। और तीसरी बात, सब बच्चे ये भी व्रत लेकर के जाएंगे कि हम भारत माता की संतान है, मेरे साथ बोलेंगे मिलकर के, माता भूमि ही, जोर से बोलो, माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्याः। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम किया करें। हम बोलते हैं ना, वंदे मातरम, ये धरती हमारी माँ है। धरती माता को प्रणाम करना, फिर माता पिता को प्रणाम करना। सब मेरे साथ बच्चे बोलेंगे, यही तो संस्कार दिए गीता परिवार ने आपको, पूज्य महाराज जी ने, श्रद्धेय गोविंद देवगिरी जी महाराज जी ने आपको यही संस्कार दिए हैं गीता परिवार ने। क्या बोले? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, और ये प्रणाम करके कि मैं भगवान की संतान हूं। सब बच्चे बोलेंगे, मैं किसकी संतान हूं? भगवान की संतान हूं। मूलतः माता के माता के पिता के पिता, माता की माता, जगन माता, जगत पिता परमात्मा, हम भगवान की संतान है। ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं की संतान है और अपने भीतर वही भगवान के भक्ता भगवत्ता, ऋषियों का ऋषित्व, देवत्व हो। इस शुभकामना के साथ एक बार पुनः मैं सुबह 4 बजे से 8 बजे तक पतंजलि योग पीठ में, क्योंकि पूरे देश भर के हमारे पतंजलि परिवार के 5 संगठनों के कार्यकर्ता वहां पर आए हुए थे, उनका शिविर लिया। अभी जाकर के फिर मुझे कार्यक्रम लेना है, लेकिन फिर भी पूज्य महाराज श्री का मुझ पर इतना अनुग्रह है, एक बड़े भाई के तौर पर कहो, एक सखा के तौर पर कहो, एक अभिभावक के तौर पर कहो,
और फिर ये हजारों बच्चों का प्यार। मैंने कहा महाराज जी इन बच्चों को हम निराश नहीं करेंगे, चाहे कितना ही हमें पुरुषार्थ करना पड़े। मैं कार से आया, फिर वहां से स्पेशल जहाज लेकर के आया, हेलीकॉप्टर लेके आया, लेकिन मैंने कहा बच्चों के पास जरूर जाना है क्योंकि इन बच्चों में मेरे भारत का भविष्य है। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और इस भारत के महान ऋषि को, भारत की इस महान महात्मा को, एक सच्चे तपस्वी, एक तितुक्षु को, एक आप्त पुरुष को, जिसने पूरा जीवन देश धर्म और संस्कृति के लगा दिया, एक बार सबके ओर से पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज के चरणों में सबका बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके ओर से बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन, जोरदार करतल ध्वनि से। महाराज जी ने जो इतना ये पुण्य का प्रशस्त कार्य किया है और गीता परिवार का ये त्रिदशक पूर्ति महोत्सव, उसके लिए मैं महाराज श्री आपको जितना प्रणाम करूं, आपका अभिनंदन करूं, इतनी सरलता सहजता, और मेरे हर कार्य में ये हमारे, मैंने कहा एक सखा की तरह, एक बड़े भाई की तरह, एक अभिभावक की तरह तो ये हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे हम सफर भी हैं। मैं एक बार सबके ओर से पुनः महाराज जी को प्रणाम। भारत माता।